ऐश्वर्या राय वर्सेस सुष्मिता सेन। ऐश्वर्या राय 49 साल की हो चुकी हैं, तो वही सुष्मिता सेन 47 साल की हैं। 1994 में ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन दोनों ने ही मिस इंडिया बनने के लिए पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ऐश्वर्या राय इस कॉन्टेस्ट को हार गई थी, तो वही सुष्मिता सेन ने ताज अपने नाम कर लिया था। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उसी साल सुष्मिता ने 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, तो वही ऐश्वर्या राय ने उसी साल 19 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। ऐश्वर्या ने 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से डेब्यू किया। ऐश्वर्या की पहली हिंदी फिल्म की बात करें तो और प्यार हो गया है, तो वही सुष्मिता सेन ने 10 तक फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। ऐश्वर्या राय ने अपने फिल्मी करियर में 50 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 23 फिल्में फ्लॉप रही, तो वही सुष्मिता सेन ने 33 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 13 फिल्में फ्लॉप रही। ऐश्वर्या राय की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो हम दिल दे चुके सनम, देवदास, जोधा अकबर, गुरु और ऐसी ही फिल्में शामिल है। वही सुष्मिता सेन की सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो बीबी नंबर 1, सिर्फ तुम, वास्तुशास्त्र, मैं हूं ना और ऐसी ही कुछ फिल्में शामिल है। ऐश्वर्या राय भी ग्रेजुएट है तो सुष्मिता सेन भी ग्रेजुएट है। ऐश्वर्या एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती है, वही सुष्मिता सेन भी एक फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती है। वैसे आपको बेस्ट कौन